अभी मेरा बेटी भी आ गई, यहाँ मेरे छोटू बेटी बेटा भी आया। हाँ आ गया पापा ना। हेलो दोस्तों, दिलीप सोनी ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों सुबह हो चुका है, अभी हम निकलने का तैयारी भी कर लिए हैं, सब अपना सामान वगैरह डाल लिए हैं और रेडी हो चुके हैं नहा धोवा के। आप अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से, काहे कि बहुत दिन रह गए बिहार में, तो आज हम लोग का लास्ट दिन है और निकलते हैं यहाँ से अभी। चलिए दोस्तों हम रास्ता में मिलते हैं, रास्ता में देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो ठीक है और नहीं तो हम सीधे झारखंड में मिलेंगे आपको घर पहुँचने के बाद। जहाँ भी मिलेंगे आप लोग को तो देखने के लिए मिलेगा ही, तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हम आ चुके हैं झारखंड और झारखंड के बाद अपना घर। और देखिए अभी मेरा बेटी भी आ गई, यहाँ मेरे छोटू बेटी और दोस्तों इधर मेरा बेटा भी अब मेरा मिठू पपी तो आया। हाँ आ गया पापा ना। हाँ पापा आ गया है, ये पापा बोल के पहले सबसे पहले दरवाजा में यही गया। इधर मेरा धर्म पत्नी सोनी। तो अभी काफी लंबा टाइम हम लोग मिल रहे हैं ट्रेन के बाद, है ना, कम से कम 8-10 दिन हो गया उसके बाद अभी आए हैं। और ये आते वगैरह कुछ भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि काफी रात भी हो गया और अकेले में नहीं, गाड़ी रास्ता भी बहुत खराब। हाँ गाड़ी चलाना वीडियो बनाना संभव नहीं है, इसीलिए भी डायरेक्ट घर आके फिर हाईवे रोड में कहाँ रोकेंगे और कहाँ बनाते रहेंगे, इसलिए हम कहीं नहीं बनाए। और जैसे अभी किशन का पापा घर घुसे हैं वो तो हम लोग बना नहीं पाए क्योंकि लाइट हम लोग का जो है कटा हुआ था, तो वो वाला क्लिप अगर लाइट रहता तो आप लोग को दिखाते। किशन परी तो पूरा उछल गया था क्योंकि ये लोग को पता नहीं था कि इसके पापा आने वाले थे। हमको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा था कि आएंगे लेकिन हम भी कंफर्म नहीं थे कि आज ही घर आएंगे। तो अभी चलिए खैर कोई बात नहीं, अभी 8-10 दिन बाद आए तो हम लोग को भी काफी अच्छा लग रहा है, नहीं तो अकेले अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था हम लोग को भी। और इनको कैसा लग रहा था तो खुद ही बताएंगे, तो समझ सकते हैं जो गार्जियन है बाहर जाने के बाद कैसा नहीं, जो फैमिली से हमेशा रहता है तो उसको तो अच्छा नहीं लगेगा, बाकी कोई कोई है जो हमेशा बाहर रहते उन लोग को तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। और अभी दिखाते हैं किशन परी दोनों क्या में बिजी हो गया है। तो दोस्तों यहाँ देखिए बहुत सारा हम ये लाए हैं मिठाई, देखो ये है क्या क्या ये है? देवघर का प्रसाद है ना। हाँ और इधर जितना भी सामान लाए हैं किशन परी उसका पूरा जायजा ले रहा है कि पापा क्या क्या लेके आए हैं। परी तो सबसे पहले भाई वो तो मिठाई देखती है कि पापा मेरा क्या क्या लेके आए हैं। अभी ये लोग पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई छोड़ के दोनों दौड़ के आया है। परी पापा आ गए, कितना खुश है? परी को पता नहीं था ना, मम्मी बोल रही थी कि पापा नहीं आएंगे, बोले कि थोड़ा लेट हो गया तो कल आएंगे। हाँ तो परी के लिए सरप्राइज हो गया और हम लोग को ऐसा लग रहा है कि अभी कितना सालों महीना बाद मिल रहे किशन को कुछ में। किशन का तो बेस्ट फ्रेंड है पापा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इसको नीचे जैसे आए और फोन किए कि हम आ गए हैं बोल के इतना जोर का दौड़ के किशन गया है ना अभी ना किशन। और अभी चलिए अभी इनको भी थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होने देते हैं, उसके बाद फिर आप लोग से मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, रात में तो काफी हम लोग का रात हो गया था और किशन का पापा काफी थके हुए थे इसलिए हम लोग खाना वगैरह खाकर सो गए, एक भी वीडियो नहीं बनाए। और अभी सुबह का टाइम है तो सुबह सुबह तो आप लोग को पता ही है कि बच्चा लोग का स्कूल रहता है, तो हम बना रहे हैं रोटी अभी और किशन परी जो है अभी रेडी हो रहे हैं और उसके पापा अभी भी लेटे हुए हैं क्योंकि बहुत लंबा सफर था ना इसीलिए। और यहाँ पे देखिए हम बनाए हैं आलू सेम का सब्जी जो कि किशन का पापा खेत से तोड़ के लाए थे, वो तो आप लोग वीडियो में देखे ही थे। तो अभी चलिए आज से मेरा बच्चा लोग को स्कूल छोड़ने का रूटीन खत्म, अब आज से किशन का पापा का स्टार्ट होता है। तो अभी चलिए किशन परी से मिलाएंगे और किशन का पापा भी उठते हैं तो उनसे भी आप लोग को मिलाते हैं। दोस्तों काफी लेट से उठे हैं अभी और बहुत थकावट लग रहा था, आप लोग देख के समझ रहे होंगे। और अभी इसलिए जल्दी उठना पड़ा कि हमको परी और किशन को स्कूल लेके जाना है और बहुत हाथ पर दर्द कर रहा है, कहे कि 650 किलोमीटर चला के आए हैं गाड़ी, है ना। तो चलिए अभी किशन और परी को छोड़ते हैं, उसके बाद मिलते हैं। दोस्तों अपना घर आने के बाद में आनंद ही कुछ अलग रहता है ना जी। दुनिया का किसी को ना, कहे की थोड़ा सा ना फ्री फ्री लगता है, मतलब कहीं जाने से क्या होता है ना कि आदमी बोरिंग हो जाता है और घर आने के बाद एकदम लगता है कि वाह आप आ गए। और ये है कि मतलब शादी के बाद हमको लगता है फर्स्ट टाइम इतना लंबा
हाँ अकेले छोड़ के रहे हैं, इससे पहले कभी रहे नहीं थे, इसीलिए हम लोग को भी थोड़ा अजीब लग रहा था ना परी। हाँ कुछ मेरा काम था इसलिए गए थे, बहुत सारा कमेंट किए थे, लेकिन बहुत ऐसा चीज भी है कि नहीं बताना भी चाहिए, काहे कि सब कुछ क्या बताए का जी। अब बहुत ऐसे लोग है कि ऐसा ऐसा लिख रहे थे कि भाई खैर कोई दिक्कत नहीं, देखिए जिनका जो समझ में आता है वो लिखिए। हाँ, जिनका जितना समझ है आदमी उतना ही बोलेगा ना। दोस्तों अभी नहा धोवा के कंप्लीट हो गए हैं और कुछ काम से अभी एक दोस्त आए हैं, तो उन्हीं के साथ मैं अभी कुछ काम के लिए जा रहे हैं। और क्या है ना कि बहुत दोस्त यार आप लोगों को तो पता है कि वीडियो में नहीं आना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं उसको दिखाते हैं, लेकिन आप लोग बहुत उल्टा सीधा कमेंट कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो सबसे बड़ा चीज तो ये नहीं थे ना बाहर पे, तो आदमी ये भी अपने से अनुमान लगा ले रहे थे कि हम लोग में कितना बात होता है, कितना बार होता है। हम बोले भाई खैर कोई बात नहीं, आप लोग का डिस्कस करना बनता है। और दिखाते हैं, अभी मेरा दोस्त आए हैं, तो अभी उनको भी नाश्ता वगैरह दे दिए हैं, कर लिए हैं भैया, हो गया। तो इधर रविंदर भैया आए हैं, आप लोग कहते हैं कि अपना दोस्त को नहीं दिखाते हैं, तो देखिए इनका अभी जो प्रसाद वगैरह था खा लिए हैं क्या। अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से, तो अभी हम लोग निकलते हैं, बाबा धाम का प्रसाद ग्रहण कर लिए हैं भैया, और जो काम है अभी हम लोग निकलते चला जाए। ओके निकलते हैं, चलिए। तो दोस्तों अभी रविंदर भैया हम लोग को लेके आए हैं गेतलसू डैम, काहे कि हम लोग बहुत ज्यादा थके हुए रहते हैं, और जब भी थकते हैं ना तो रविंदर भैया बड़े भाई हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा जगह लेके जाते हैं जो कि हम लोग को सुकून मिले, क्या भैया। और हमारे साथ में एक अभय भाई भी आए हैं, देखिए मिलिए, काहे कि नया चेहरा देख रहे होंगे, पहली बार आप लोग मेरे साथ में। और हम लोग सब अभी तीनों आए हैं, सब नहीं तीनों आए हैं हम लोग घूमने के लिए, तो सुबह से हम लोग घूम रहे हैं, काफी इंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ का थोड़ा सा व्यू भी दिखा दे ताकि आप लोग को पता चले कि हम लोग हैं कहाँ, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम लोग कौन सा जगह में हैं, क्या अभय भैया। हम लोग जो है ना गेतलसूद की, अरे आप ही बता दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और ये कम नहीं है स्विट्जरलैंड से, अगर आप ध्यान से देखें तो झील सा प्रतीत होता है, यहाँ बस वो जो है ना मोटर बोट की कमी है। नहीं नहीं है भैया, वो भी है, पर आप लोग को दिख रहा होगा दूर में, तो मोटर वगैरह उधर ही है, और यहाँ छोर पे है, हम लोग को जाना चाहिए उस छोर में, लेकिन बहुत ज्यादा उधर भीड़ है, तो हम लोग सोचते हैं कि मतलब थोड़ा सा एकांत जगह में बैठा जाए, तो हम लोग यही बैठे हैं, और आप लोग यहाँ देख सकते हैं, और कोई ऐसा जगह नहीं है कि यहाँ पर जोड़ा ना मिले, और यहाँ पर भी देखिए सब कोई है, उधर हम लोग सोचे बैठेंगे लेकिन उधर देख रहे हैं कि कुछ कैप्चर कर लिया है, तो थोड़ा आप हम लोग यही इंजॉय करेंगे क्या। तो दोस्तों यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि अभी शाम हो चुका है, और हम लोग यहाँ से निकलने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग 2 घंटा से कोशिश कर रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि इतना अच्छा यहाँ का मतलब व्यू है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला तो हम बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, अभय जी बोलेंगे, क्या अभय भैया कैसा लगा। देखिए क्या जबरदस्त समय है, लग रहा है जैसे कोई फॉरेन कंट्री में आ गए हैं, विदेश में। बिल्कुल, और हम लोग अकेले नहीं है, थोड़ा जूम करें, उधर काफी लोग इधर आते हैं। हाँ, ये चीज तो है, देखिए कहीं पर भी ना आप लोग तो जोड़ा समझ रहे हैं ना। हाँ। ये रहता ही है, देखिए हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग को दिखाने का, देखिए यहाँ हर जगह आप लोग को एक लड़का एक लड़की मिलेगा, और आप लोग को एक चीज दिखाएंगे यहाँ कि यहाँ हाँ देखिए आप लोग देख रहे हैं ना, झारखंड में विदेशी पक्षी भी यहाँ है, देखिए आप लोग को शायद दिखाई पड़ रहा होगा, संभवतः सार्क है ना, साइबेरियन, साइबेरियन साइबेरियन पक्षी, देखिए वहाँ पर है, और यहाँ देख सकते हैं ये रहा बगल वाला। हाँ। देखिए यू वाला, लेकिन शाम हो चुका है तो हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा, काहे कि अभी हम लोग को 40 किलोमीटर यहाँ से दूर जाना है, तो अभय भैया निकला जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो चलिए हम लोग फिर आगे क्या करते हैं आप लोग फिर से मिलेंगे नए डेस्टिनेशन। ओके ओके, चलिए शायद दुबई, क्या बोल रहे हैं, शायद दुबई में मिले हम लोग। भैया 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 क्या बोल रहे थे भैया, हो सकता है हम लोग दुबई में मिले, तो हम लोग का दुबई का यहाँ हम लोग प्रोग्राम बन रहा है, बन रहा है। अगर ऊपर वाले की कृपा हुई तो हम लोग सब दुबई में मिलेंगे फिर से, बिल्कुल मिलेंगे दुबई में। तो भैया दोनों तो ये सब जा चुके हैं, है ना, लेकिन एक हम है जो दोस्त में एक होता है ना कि 2 दोस्त चले गए और एक बचे हुए हैं, तो अभय भैया प्रोमिस कर रहे हैं कि दुबई पे मिलेंगे, तो जरूर मिलेंगे, हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, आप लोग तो अभी देखे होंगे कि अभी हम बिहार गए थे, तो बिहार गए थे कुछ काम के लिए ही, तो ऐसा घूमने नहीं गए थे,
कुछ काम से गए थे तो आप लोग कमेंट किए थे। खैर कोई नहीं, कमेंट तो कुछ भी कर लेता है लोग, लेकिन हमको आप लोग समझिए। आज जब अभय भैया और इधर रविंदर भैया जब बोल दिए कि दुबई में मिलेंगे तो कुछ कर रहे हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं कि दो पैसा कमाने का और घूमने का भी। अब फैमिली को ऐसा नहीं है कि हम घुमाने नहीं चाहते हैं, वो सबको भी घुमाने चाहते हैं, पर हर जगह हर लोग को नहीं लिया जा सकता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो जहाँ भी हम लोग जो भी करते हैं परफेक्ट हम लोग बनाते हैं वीडियो और दिखाते हैं भी, क्या भैया? तो चलिए सबसे पहला तो यहाँ से अभी हम लोग निकलते हैं और कहीं खाना खाते हैं, तो चलिए मिलते हैं हम लोग। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं घर, आज के बाद आप लोग को हम लोग पूरा परिवार का वीडियो ही देखने के लिए मिलेगा। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।